हाँ जी, क्या हुआ? भाषा प्रॉब्लम? कई ट्रांसलेटर भी बैठे हुए हैं, तेलुगु में बोल दो। ये कोई बताने की बात है? सूक्ष्म बतन में चले गए। जो भी बीके में शरीर छोड़ते हैं कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म बतन वासी बन जाते हैं। किसके फॉलोअर हैं? बीके में जो भी हैं वो फॉलोअर किसके हैं? ब्रह्मा के फॉलोअर हैं। तो जो ब्रह्मा की गति होगी वो फॉलोअर्स की भी गति होगी। और बाबा जी, संगम का 100 साल क्यों नहीं है? 100 साल संगम का आयु? कितनी आयु है? 100 साल आयु है। हाँ, 100 साल आयु है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल ही। 100 साल ही क्यों? अगर ज्यादा होती तो भी आप कहते, ये इतनी ज्यादा क्यों? और कम होती तो भी आप कहते, ये संगम युग की इतनी कम आयु क्यों? और ड्रामा तो भूल जाते हैं। ड्रामा में जैसा नूद है वैसा ही तो होगा ना। जितने भी धर्म पिताएं आए उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लिया है? इब्राहिम 2500 साल पहले आया हुआ होगा। उस समय लंबी आयु होती थी, उसने भी कितना टाइम लिया होगा? जिसमें प्रवेश किया उसके जन्म लेते तो नहीं प्रवेश किया होगा, बाद में ही प्रवेश किया होगा ना। तो हर एक धर्म पिता की सेवा करने की आयु, प्रवेशता की आयु 100 साल से ज्यादा नहीं होती। तो बाप भी जब आते हैं तो बताते हैं संगम युग की आयु 100 साल है, ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, और बाबा, भाई पूछ रहे हैं एडवांस में 20 साल रहने के बाद, 20 साल रहने के बाद हाँ शरीर छोड़ दिया तो अनुभव नहीं किया ना, तो कैसा होगा अनुभव? तो आत्मा ने शरीर छोड़ कर गया ना, छोड़ के गया तो उसके बाद तो अनुभव कैसा करेगा? क्या करेगा अनुभव? अनुभव कैसा करेगा? ये तो उनके ज्ञान लेने की डीपनेस के ऊपर है। जो एडवांस में आकर के शरीर छोड़ेगा वो तो अगला जन्म जरूर लेगा, और जन्म लेकर के पुरुषार्थ भी करेगा। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा की तरह, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह शरीर छोड़ करके फिर इस जन्म, इस युग में यानी संगम युग में दोबारा जन्म लेगा ही नहीं, क्योंकि एडवांस ज्ञान सुना है तो दोबारा जन्म लेकर के उसे जरूर आना पड़े। और कुछ
करें, जमीन यूज करें, इनका बताओ मिक्स करें। किसी ने पूछा है, एक मुरली में बोला है अगर आत्मा सो परमात्मा है तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? मुरली में बोला है, वो बोला नहीं है, कहते हैं पूछा है। उस मुरली में भी दिया नहीं है जवाब, तो स्पष्ट करिए। अब परमात्मा आता है या परमपिता आता है? आता कौन है? परमपिता आता है जिसका कोई पिता नहीं, और किसमें आता है? परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी परमात्मा में आता है। जो पार्ट बजाने वाले हैं वो पार्ट बजाते बजाते युग युगांतर में, जन्म जन्मांतर में पार्ट बजाते बजाते सुख दुख भोगते भोगते तमो प्रधान बनेंगे या नहीं बनेंगे? तमो प्रधान बनेंगे। उन तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए परमपिता आते हैं, और किस में आते हैं? उसी में आते हैं जो हर युग में टॉप मोस्ट पार्ट बजाता है, सतयुग में सतो प्रधानता का पार्ट बजाता है, एवर लास्टिंग सतो प्रधान, त्रेता में सतो सामान्य पार्ट बजाता है, एवर लास्टिंग सतो प्रधान सतो सामान्य, द्वापर में रजो प्रधान पार्ट बजाता है, एवर लास्टिंग रजो प्रधान, और कलयुग में तमो प्रधान पार्ट बजाता है, एवर लास्टिंग तमो प्रधान। उससे ज्यादा तमो प्रधान और कोई बन नहीं सकता। जैसे कोई राजा का बच्चा है और प्रजावर्ग में भी कोई कोई साहूकारों के बड़े बड़े हौदेदारों के बच्चे हैं, और वो सभी बच्चे खुदा न खास्ता कोई ऐसे ग्रुप के संग में आ जाते हैं जो खराब ग्रुप है, चोर डकैतों के संसर्ग संपर्क में संग में आ जाते हैं, तो उन साहूकारों के बच्चों में, बड़े हौदेदारों के बच्चों में और राजा के बच्चे में क्या अंतर होगा? ज्यादा कौन गिरेगा? ज्यादा संघ का रंग कौन लगे, किसको लगेगा? राजा के बच्चे को लगेगा। और यहां तो राजा का बच्चा भी नहीं है जिसे हीरो पार्टधारी कहा जाता है, वो किसका पहला बच्चा है? राजा महाराजा बनाने वाले का बच्चा है, तो ज्यादा नीचे कौन गिरेगा? हैं? वही गिरेगा। तो जो सबसे जास्ती नीचे गिरता है, सबसे जास्ती तमोप्रधान बनता है, उसी में परम पिता प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? वो प्रवेश करते हैं जिसका कोई भी पिता नहीं है। वो सब आत्माओं का पिता है, लेकिन उसका पिता
कोई भी नहीं है। किस में प्रवेश करता है? है परम पार्टधारी, परमात्मा पार्टधारी में प्रवेश करता है। तब ही पता चलता है कि परम पिता कौन है और परमात्मा कौन है। और कोई ने पूछा है, ब्रह्मा को मारी, इसका प्रूफ है कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। क्यों पूजा नहीं होती? क्योंकि माया ने ब्रह्मा को पुरुषार्थ में मारा, बीच में ही मार गिराया। लेकिन विष्णु को भी मारी, ये भी कहते हैं। माया ने ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, ये भी कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु को ब्रह्मा विष्णु तो संपन्न रूप है, अभी हैं ब्रह्मा विष्णु संपन्न रूप। ब्रह्मा को संपन्न कहेंगे? अच्छा, विष्णु को संपन्न कहेंगे? संपन्न कहां से कहेंगे? विष्णु तो अभी रंगमंच पर ही नहीं है। है नहीं? विष्णु की जो मूर्ति है वो तो प्रत्यक्ष ही नहीं हुई, पहली मूर्ति है ब्रह्मा, वो बीच में ही शरीर छोड़ के चले गए। स्थापना का काम, नई दुनिया की स्थापना का काम पूरा तो हुआ नहीं, और विष्णु का पार्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो माया ने मारा या नहीं मारा विष्णु को? नहीं मारा, मारा। अच्छा, आदि कहते हैं मारा, माया ने विष्णु को भी मारा, ब्रह्मा को भी मारा, और आदि कहते हैं नहीं मारा। अरे कोई होगा तो मारेगी या बिना कोई हुए मारेगी? है, होगा तो मारेगी। लेकिन बाबा ने तो कहा है मैं अकेला नहीं आता हूं, मैं किसके साथ आता हूं? तीन मूर्तियों के साथ आता हूं। तो तीनों मूर्तियां आदि से ही हैं या नहीं है? है? आदि से ही है, भले अभी प्रत्यक्ष नहीं है। क्या ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष हुई, लेकिन विष्णु की मूर्ति भी आदि में थी, बीच में गुप्त हो गई। शंकर की मूर्ति भी बीच में गुप्त हो गई। 76 से फिर ब्रह्मा के बाद कौन सी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है? शंकर की मूर्ति। तो मुरली में बाबा कहते हैं ऐसे सीधे सीधे नहीं कहना चाहिए, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ये रंग है कहना। क्या कहना चाहिए? शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। पहले ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता है, पहली मूर्ति, फिर दूसरी मूर्ति शंकर प्रत्यक्ष होती है, और फिर तीसरी मूर्ति विष्णु। तो इससे क्या साबित हुआ कि विष्णु भले नहीं है लेकिन वो पार्ट बजाने वाली चैतन्य मूर्ति ब्राह्मणों के बीच में कहीं तो कहीं इस दुनिया के अंदर है या नहीं है? है तो जरूर। अगर है तो पुरुषार्थ कर रही होगी या नहीं कर रही होगी? पुरुषार्थ कर रही होगी, पुरुषार्थ तो कर रही है, लेकिन बाप को पहचान रही है,
बाप ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में प्रैक्टिकल में है या नहीं है? है? है। अगर है तो विष्णु की वो मूर्ति जो गुप्त पार्ट बजाए रही है वो उस बाप को पहचानती है या नहीं पहचानती है? नहीं पहचानती। तो माया ने मारा या नहीं मारा? है, विष्णु को भी मारा। तो ये नहीं कह सकते हैं कि विष्णु तो संपन्न रूप है, अभी नहीं है संपन्न रूप। लास्ट में संपन्न रूप होगा कि अभी है? लास्ट में। और विष्णु नहीं है ये भी नहीं कह सकते। विष्णु है जरूर लेकिन प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष नहीं। तो ब्रह्मा को भी मारी और विष्णु को भी मारी। माया ने ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं छोड़ा, मार दिया। छोड़ा किसको? शंकर को छोड़ तो दिया, मारा तो नहीं, मार नहीं सकी। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी शंकर को अमर कहते हैं या मरा हुआ कहते हैं, उसका ना जन्म दिखाते हैं और ना मृत्यु दिखाते हैं। ब्रह्मा कुमारियां जन्म दिखाती है। क्या कहती है? शिव जयंती। अब जयंती साकार की होती है या बिंदु की होती है? जयंती तो साकार की होती है। बिंदु शिव वो तो निराकार है, वो शिव ज्योति बिंदु साकार में प्रवेश करता है। जिस साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसकी मूर्ति बनाई जाती है। उसकी मूर्तियां दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में मिलती है। जैनियों के तीर्थंकरों के रूप में मिलती है और हिंदुओं के शंकर के रूप में मिलती है, आदिनाथ के रूप में मिलती है। तो इसे साबित होता है कि वो ही एक रूप ऐसा है जो इस सृष्टि में आदि से लेकर के अंत तक मौजूद रहता है, मारा नहीं जा सकता। माया किसी को छोड़ती नहीं है। अच्छा, शंकर जो पुरुषार्थी है याद में बैठा है तो पुरुषार्थी है या नहीं है? हैं? पुरुषार्थी तो है। तो जो शंकर पुरुषार्थी है उस पर माया वार करती है या नहीं करती है? वार तो जरूर करती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है लेकिन और सबको मार गिराती है, लेकिन शंकर को नहीं मार गिरा पाती। तो ये जो पूछा है कि ब्रह्मा को माया ने मार गिराया तो ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, और विष्णु तो संपन्न रूप है लेकिन अभी है संपन्न रूप, वो संपन्न रूप तो है ही नहीं। असंपन्न रूप भी है, पुरुषार्थी भी रूप है तो कहीं गुप्त है। वो गुप्त रूप भी जब बाप के संपर्क संसर्ग में आ जाता है, संबंध में आ जाता है तो संपन्न बन जाता है। पहले बाप संपन्न या रचना संपन्न? पहले तो बाप ही संपन्न होता है, बाद में रचना संपन्न होती है। तो बाप बाप है, ब्रह्मा ब्रह्मा है, बड़ी मां है, उसे बाप नहीं कहेंगे। और विष्णु, विष्णु वो प्रत्यक्ष होता है जिसमें विषय विकार का नाम निशान नहीं होता। विषय विकार का नाम निशान भी है
तो संपन्न रूप नहीं कहा जाएगा। आंखों में भी विषय विकार होता है या नहीं होता है? है? होता है नहीं होता है? आंखों में भी विषय विकार होता है। और विष्णु का जो पार्टधारी है वो आंखों से दुनिया वालों के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है या नहीं आता है? आता है। तो विष्णु पुरुषार्थी को संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो वो भी तामसी स्टेज पकड़ता है। वो तामसी स्टेज तब खलास हो जाती है जब बाप का प्रत्यक्ष ज्ञान मिल जाता है, बाप की पहचान हो जाती है। और बाप की पहचान होने के बाद वो एक ही स्वरूप ऐसा है जो पुरुषार्थ में सबसे आगे चला जाता है। सबसे का मतलब बाप से आगे चला जाता है, है? बाप से आगे थोड़ी चला जाता है, बाप तो बाप ही है। इसलिए तीन मूर्तियों के चित्रों में जो सूक्ष्म वतन में दिखाई गई है उनमें सबसे ऊपर की मूर्ति कौन सी है? है? शंकर की, शंकरपुरी। सबसे नीचे की पुरी कौन सी है? ब्रह्मपुरी। और बीच की विष्णुपुरी। तो हिसाब से तीनों मूर्तियां हैं और उनमें ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती? कोई कारण होगा या नहीं होगा? क्या कारण है? शरीर छोड़ दिया। शरीर तो सभी छोड़ देंगे। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई है? है? इस सृष्टि पर कोई शरीरधारी पुरुषार्थी सदा कायम रहेगा 5000 वर्ष? नहीं रहेगा। तो सभी शरीर छोड़ देंगे। इसमें ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या बड़ी बात? शरीर छोड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चों के मोह में फंस जाना ये बड़ी बात हो गई। और सबसे ज्यादा मोह किस में होता है? माँ में। और माताओं में सबसे बड़ी माँ कौन दुनिया में? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी और माँ माने माँ, तो उसमें मोह भी सबसे जास्ती होगा या कम होगा? सबसे जास्ती मोह। उस मोह के कारण ही ब्रह्मा का नाम क्या? मूर्ति के रूप में गुम हो जाता है। मूर्ति नहीं बनाई जाती, मंदिर नहीं बनाया जाता, पूजा नहीं होती। अच्छे बच्चों का मोह और दानवी राक्षसी बच्चों का मोह और दैवी स्वभाव वाले बच्चों का मोह, कौन सा मोह अच्छा है और कौन सा खराब है? है? दैवी स्वभाव वाले बच्चों का मोह कष्टदायक नहीं है और जो राक्षसी दानवी स्वभाव के बच्चे हैं उनमें मोह अगर लगा रहता है तो वो कष्ट पैदा करेंगे, दुख पैदा करेंगे, नीचे गिराएंगे या ऊपर उठाएंगे? नीचे गिराएंगे। तो ऐसे बच्चों ने ब्रह्मा का नाम बदनाम कर दिया। शास्त्रों में भी क्या दिखाते हैं? असुरों को, आश्रय स्वभाव वालों को, दानवों को, राक्षसों को सबसे जास्ती वरदान कौन से देवता ने दिए? ब्रह्मा ने दिए। तो देना चाहिए है? नहीं देना चाहिए, लेकिन दिए। दान किसको देना है?
ज्ञान का दान किसको देना है, प्यार का दान किसको देना है, वरदान किसको देना है। दान भी देख कर देना है, समझ कर देना है, या अजर्रा सभी को दान देना है? है पात्र को देना है या कुपात्र को देना है? पात्र को दान देना चाहिए, लेकिन अम्मा मोह में आकर के सभी को दान देती है, सभी को प्यार देती है, सभी को शुभ आशाएं देती है, लेकिन क्या ये संभव है कि सारे ही दुनिया में श्रेष्ठ बन जाएं? बन जाएंगे, पुरुषार्थ करें या न करें, धारणा करें या न करें, सेवा करें या डिससर्विस करें, बन जाएंगे, नहीं बन सकते? तो तीनों मूर्तियों की अलग अलग अपनी अपनी विशेषता है, और उन्हें पूछा है भक्ति मार्ग में शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती क्यों नहीं मनाते, क्यों नहीं मनाते? है अच्छा, ब्रह्मा कुमारियां क्या मनाती हैं? है शिव जयंती, लेकिन मुरली में क्या बोला है? जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? तो अगर ब्रह्मा कुमारियां जयंती मनाती हैं, तो कौन सा साकार है जिसकी अंत में जय जयकार होती है? जयंती कोई है साकार है? कौन है? हाँ सर, जिसकी अंत में जय जयकार होती है, ऐसी जयंती वाला कोई साकार है? है, है? कौन है ब्रह्मा कुमारियों में? कौन है? है तो फिर तो भक्ति मार्ग की जयंती हो गई या ज्ञान मार्ग की हुई? तो भक्ति मार्ग की हो गई। वो भक्ति मार्ग वाले जो दुनिया में जयंती मनाते हैं, वो महाशिवरात्रि मनाते हैं, उसमें कम से कम इतनी तो सच्चाई है कि वो उस निराकार ज्योति बिंदु को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, इसलिए जयंती भी नहीं मनाते कि वो किसमें साकार रूप में कार्य करता है, किसमें आता है। हाँ, महाशिवरात्रि मनाते, इतना उनको मालूम है कि जब दुनिया में महान अंधकार की रात्रि हो जाती है, महान अज्ञानता का अंधकार सारी दुनिया में, भौतिकता का अंधकार फैल जाता है, तब भगवान आते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन किस रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, किस साकार में प्रत्यक्ष होते हैं, ये तो पता ही नहीं। भक्ति मार्ग वालों को पता है, अच्छा ब्रह्मा कुमारियों को पता है, है? इसलिए झूठ ही मनाते हैं। ब्रह्मा कुमारियां भी अगर मनाती हैं शिव जयंती, तो झूठी मनाती हैं, सच्ची मनाती हैं? झूठी मनाती हैं। उन्हें पता ही नहीं है कौन वो साकार है जिसमें जयंती मनाने का प्रमाण साबित होता है। भक्ति मार्ग वालों को भी पता नहीं रहता। दूसरा प्रश्न है, वेद में शिवरात्रि कहां मनाई जाएगी? हद में शिवरात्रि क्या होती है और बेहद में महाशिवरात्रि क्या होती है? बेहद में महाशिवरात्रि होती है या शिवरात्रि होती है? है? महाशिवरात्रि होती है। बेहद माने 500-700 करोड़ मनुष्य इस दुनिया में मौजूद हों और उन सबकी नजरों में
वो सेवा समा जाए। सारी दुनिया उस बाप को पहचान ले, उसको कहेंगे महाशिवरात्रि। वो कब होती है? वो महाशिवरात्रि अंत में तब होती है कि जब दुनिया वाले तो भौतिकता के अंधकार में डूबे ही हुए रहते हैं, वो तो डूबे हुए थे ही, लेकिन जो ब्राह्मण कहते हैं हमें भगवान मिल गया, भगवान आ गया, वो ब्राह्मण भी अज्ञानता की अंधकार की रात्रि में भौतिकता में डूब जाते हैं। बेसिक वाले भी डूब जाते हैं, और जो अपन को एडवांस का कहते हैं कि हम एडवांस ब्राह्मण हैं, वो भी भौतिकता के अंधकार की रात्रि में डूब जाते हैं, माया की चकाचौंध में डूब जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है संसार में, तब महान अज्ञानता की अंधकार की रात्रि कही जाती है। ऐसी अज्ञानता की अंधकार की रात्रि में उस एक मूर्ति में शिव प्रत्यक्ष होते हैं, जिसमें आने के बाद वो मूर्ति भगवान बाप को भूलती नहीं है, अनिश्चय में नहीं आती, माया उसको अनिश्चय में नहीं ला पाती। तब कहा जाता है घोर अज्ञानता के अंधकार की महाशिवरात्रि। और वो कब होती है? इसके लिए मुरली में बोला है कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, इनको नहीं, इनको नहीं लगते हैं 40 से 50 वर्ष, तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो ये 40 से 50 वर्ष कब पूरे होंगे? हैं? कब से कहें? है? जब से बाप आया, जब से बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, नंबर बार प्रत्यक्ष हुआ कि सबके सामने एक जैसा प्रत्यक्ष हुआ? नंबर बार प्रत्यक्ष हुआ। नंबर बार निश्चय अनिश्चय में आते हैं कि एक जैसे निश्चय अनिश्चय में आते हैं? नंबर बार आते हैं। सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन आता है? 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 कौन बताए? ब्रह्मा बाबा। अभी भी ब्रह्मा की सोल ऐसे नहीं कि एडवांस ज्ञान नहीं ले रही है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल एडवांस ज्ञान ले रही है या नहीं ले रही है? ले रही है। बाप की नजर उस ब्रह्मा बच्चे के ऊपर है या नहीं है? है, है। क्योंकि बाप जानता है कि यही बच्चा है जो सतयुग में फर्स्ट नारायण बनेगा, मेरा वारसदार बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो बाप की नजर उस बच्चे पर है, परंतु जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, उन फॉलोअर्स की सब की नजर ब्रह्मा के ऊपर है या और धर्म पिताओं धर्मावलंबियों के ऊपर भी है? अगर ब्रह्मा के ऊपर नजर होती तो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए
महावाक्यों को फॉलो करते, या ब्रह्मा से जिन आसुरों को वरदान मिले उनको फॉलो करते? किसको फॉलो कर रहे हैं? असुरों को फॉलो कर रहे हैं। सेवा भी करते हैं तो उनकी नजर किसके ऊपर रहती है? ज्ञानी बच्चों के ऊपर रहती है या बड़े बड़े लोगों के ऊपर नजर रहती है? बड़े बड़े लोगों के ऊपर नजर रहती है। शिव बाप आते हैं तो गरीबों को पकड़ते हैं या बड़े बड़े आदमियों को पकड़ते हैं? गरीबों को। गरीब निवाज गाया जाता है। तो एडवांस में भी जो बच्चे बैठे हुए हैं वो सब गरीब हैं दुनियावी हिसाब से, या करोड़पति या अरबपति हैं? सब गरीब हैं। इतने गरीब हैं कि वर्षों तक सामूहिक रूप से ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए, अपना संगठन चलाने के लिए उनको तीन पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। ऐसे बच्चों को बाप पकड़ता है। और ब्रह्मा कुमार कुमारी किसको पकड़ते हैं? गरीबों को नहीं पकड़ते हैं, बड़े बड़े साइड साहूकारों को पकड़ते हैं। किस लिए है? अरे जिसको भगवान मिला उसको पैसे की क्या चिंता? तो भगवान मिला है या नहीं मिला है? हैं? अंदर से क्या समझते हैं? हैं? कि भगवान हमको नहीं सिद्ध होने वाला है, भगवान तो हमारे हाथ से निकल गया, तो अब क्या करना चाहिए? हैं? कम से कम बुद्धू बना करके कि भगवान हमारे पास आया हुआ है। बुद्धू बना करके लोगों को पैसा तो इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि विनाश हुआ या नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी तो चलेगी। तो इस तरह जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं वो ब्रह्मा का नाम डुबोते हैं। खुदा के तख्त को आठ फरिश्तों ने उठाया, उसमें से पहले फरिश्ते का नाम जबराइल बताया है। वो जबराइल कौन है? है? अरे अच्छा, खुदा का तख्त कौन सा है? खुदा कौन है? है? अच्छा, खुदा कोई है कि नहीं है? कौन है? शिव। बाबा नहीं, शिव। शिव आता है या शिव बाबा आता है? शिव आता है। तो जो आता है वो ही खुदा है। आता है तो उसके तख्त को जो उठाने वाली आत्माएं हैं वो कितनी हैं? आठ हैं। उनमें सबसे जबरदस्त कौन है? जिसके शरीर में आता है वो मुकर्रर रथ ही जबरदस्त है, उसके बाद फिर नंबर वन। और एक मुरली में बोला है कि आदि में माता में शिव बाप प्रवेश करके लिखाते थे,
और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। उसका यादगार भक्ति मार्ग में है। क्या यादगार है? उन्होंने लिखा है, व्यास जी बोलते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे। तो क्या ये बात साबित होती है कि आदि में माता में शिव बाबा प्रवेश करते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे? तो जो माता है वो व्यास साबित होती है? हैं? नहीं। हाँ, माता से भी पहले किसी में प्रवेश करते थे या नहीं करते थे? तो जिसमें प्रवेश करते थे वो व्यास। और ब्रह्मा बाबा को गणेश कह सकते हैं। और पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम वर्ष के बारे में, हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास आता है। हर चौथे युग में पुरुषोत्तम संगम युग आता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, उसके अंत में पुरुषोत्तम मास की पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम युग, उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में क्या मनाते हैं? पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। वो हर चौथी वर्ष मनाते हैं और यहाँ हर चौथे युग में मनाते हैं। चौथे युग के अंदर कलयुग के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग आता है। और 100% बुद्धि और विपरीत बुद्धि, उनका क्या? 100% विपरीत बुद्धि का मतलब है कि जो परमात्मा प्यार का वर्षा बिल्कुल नहीं लेते, कीड़े मकोड़ों की तरह अंत में जन्म लेते हैं, अंतिम जन्म एक ही जन्म लेते हैं, वो 100% विपरीत बुद्धि है। बाकी फिर नंबर बार बाप को बुद्धिमानों का बुद्धि कर। ये विपरीत बुद्धि और 100% बुद्धि, कोई कोई आत्मा का वो पूर्ति बुद्धि माना 100% माना, उनका विपरीत कहा जाता है। कोई कोई आत्मा को बुद्धि जो है अगर उनका उनका आत्मा का लेवल जो है विपरीत है, मतलब उनका बुद्धि जो है विपरीत चलता है, उनका गुण ही उसका 100% है, मतलब उतना 100% है। जो बच्चे ज्ञान में चलते हैं उनमें नहीं, जो ज्ञान में चल पड़े जिन्होंने थोड़े समय भी बाप को पहचाना, वो विपरीत बुद्धि 100% कैसे कहे जाएंगे? विपरीत बुद्धि 100% तो उनको कहेंगे कि 100 साल का संगम युग सारा ही पूरा हो जाए तो भी, जैसे कीड़े मकोड़ों की बुद्धि होती है, उनकी बुद्धि क्या होती है? क्या होती है? कीड़े मकोड़ों की बुद्धि में विकार होता है कि निर्विकारी होने की बुद्धि होती है? वो विकारी ही बुद्धि रहते हैं, परमात्मा को नहीं पहचानते, वो 100% विकारी। उनके भी आधारमूर्त और बीज रूप यहां होंगे या नहीं होंगे, उनको कह सकते हैं कि बाप आया, बाप के नजदीक भी रहे, लेकिन 100% कैसे हो गए? विपरीत बुद्धि हो गए। प्रीति बुद्धि हो तब तो कहें विपरीत बुद्धि हुए, कभी प्रीति हुई भी नहीं एक सेकंड के लिए तो विपरीत कैसे कहेंगे? रखो दो, रखो अभी करेंगे। और बाबा नेल्लूर का अर्थ क्या है?
ये नेल्लूर को संधि विच्छेद करो, नई ला और तीनों को मिला दो, नेल्लोर, नई नई ज्ञान के पॉइंट और ला, तो क्या हुआ नेल्लूर। पुरानी ज्ञान की पॉइंट तो पुरानी हो गई, वो नहीं ला, क्या ला, नई नई ज्ञान के पॉइंट ला, तो क्या हो गया नेल्लूर। టెలివిజన్ ద్వారా మధువన్ టీవీ మధువాంది టెలివిజన్ ద్వారా మధువంది बाबा टीवी में बीके वालों का प्रोग्राम आता है, वो तो दुनिया वालों का भी आता है। जो बीके वालों का प्रोग्राम आता है ऐसे ही आसाराम बापू का भी आता है, कभी हंसाजी महाराज का भी आता है। जो दूसरे दूसरे धर्मगुरु बड़े बड़े हैं आसाराम बापू का भी आता है, तो क्या बड़ी बात हो गई। वो देख सकते हैं या नहीं पूछ रहे, तुम्हें ऊंचे से ऊंचे मिल गया है या नहीं मिल गया है। पूछने वालों से जो ये प्रश्न पूछते हैं उनसे पूछो कि तुम्हें ऊंचे से ऊंचे मिल गया है या नहीं मिल गया है। क्या कह रहे हैं, मिल गया है, तो फिर नीचों को क्यों पकड़ना। उन्नत उन्नत मैंने दुर्गन तरह तक वाले चूड़ी अंत तक कदा दाटक मुझे चूड़ी पैर चूड़ इंका अच्छा जल्दी जाना है। हाँ जी लेकते बाबा माता जी पूछ रहे हैं ऐसा ही 5,000 साल पहले भी हुआ है, बाद में भी ऐसे ही होगा क्या, ऐसे क्यों होगा। हर 5,000 साल के बाद ऐसे ही होगा। ये नाक यहाँ लगी हुई है, ये यहाँ क्यों लगी हुई है, ये कान यहाँ लगा हुआ है, ये यहाँ क्यों लगा हुआ है। ये बाहें यहाँ लगी हुई है, ये यहाँ क्यों लगी हुई है। ये कान हाथ नाक ऐसा ऐसे रहने, लेकिन अभी दुख दर्द आता है ना, दुख दर्द आता है हमें, दुख दर्द आता है होगा ना। वो दुख दर्द को क्यों याद करते हो, सत्युग त्रेता सुख ही सुख भी तो आता है। सत्युग त्रेता सुख वस्ता अभी अभी बाप ने सुख की नई दुनिया याद करने के लिए बोला है या दुख की दुनिया याद करने के लिए बोला। కొత్తగా స్థాపించేటువంటి ఆనందకరమైన ప్రపంచాన్ని కల్పన చేయమన్నారా
लेना दुख प्रपंच धाम जी बनाना अगर रात नहीं होगी तो दिन को कौन देखेगा रात पगल दुख में सुखी बाबा प्रपंच स्थापन दुख नहीं आएगा तो सुख का मूल्य क्या होगा जो बहुत दुखी होता है उसी को बहुत सुख मिलता है दुखी अवतारो वाले सुखा पुतारो कोई लिख रहा है बाबा टाइम हो गया 5 बज गया जिनका टाइम ज्यादा हो गया वो जा सकते हैं निकल जाओ धीरे से बाबा का टाइम क्लास का 3 घंटे का है 1 घंटा मुरली 1 घंटा याद और 1 घंटा वार्तालाप तो अभी आधा घंटा ही हुआ है और दुख हुआ तो दुख हुआ हाँ एक सेकंड के लिए एक साल का दुख रहेगा नहीं ये हिसाब है जैसे भक्ति मार्ग में हिसाब होता है कोई पाप करता है कोई पुण्य करता है तो जो पुण्य करने वाला है वो कितनी तीव्रता से पुण्य करता है उसका फल उसको उतना ही लंबा और उतना ही ज्यादा मिलेगा और जो पाप करता है और बहुत तीव्रता से पाप करता है तेजी से उसका फल उसको उतनी ही जल्दी और उतना ही ज्यादा मिलेगा ऐसे ही यहां 1 सेकंड के लिए जो सुख के वाइब्रेशन में रहता है लेकिन कितनी तीव्रता से रहता है उसके ऊपर बात है अगर सुख की तीव्रता का वाइब्रेशन बहुत तेज है तो वहां लंबा समय हो जाएगा सुख का और दुख की फीलिंग का भाव बहुत तेज है तो वहां दुख भी लंबे समय का हो जाएगा भाव की बात है भाव प्रधान विश्व रचि राखा भाव प्रधानमैనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక్క సెకండ్ తీవ్రమైన దుఃఖం అనుభవిస్తే అక్కడ ఎక్కువ కాలం దుఃఖం అనుభవించాల్సి కానీ ఇక్కడ కొంచెం సెకండ్ మంచి సుఖం అనుభవించాము అక్కడ ఎక్కువ సమయం సుఖమే ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎంత తీవ్రంగా తీసుకుంటున్నాం అనేది అంత విషయం అది మన భావం నేను చాలా తీవ్రంగా దుఃఖపడ్డానంటే నీకు దుఃఖం చాలా కాలం వస్తుంది నేను ఎక్కువ కాలం తండ్రి దగ్గరకు వచ్చాను తండ్రి విషయాలు తెలుసుకున్నాను తండ్రి సగటుగా ఉన్నాను అనుకుని మంచి భావంతో తీసుకున్నావు అనుకో మంచిగా చాలా కాలం నడుస్తుంది ఇంకా शांति